जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज से दो दिन पहले हमारे देश के अंदर केंद्रीय बजट पास हुआ है, और केंद्रीय बजट पास हुआ है जो कि हमारे देश के अंदर 70% लोग खेती और किसानी पर जिंदा रहने का काम करते हैं, लेकिन किसानों के लिए इनका 5% भी बजट नहीं आया। यानी किसानों को सिर्फ धोखा मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे हंसी तो तब आई जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री श्री फेकू चंद महाराज बनारस की गलियों में बैठकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अभी मैं देखा, वो कह रहे थे कि किसानों को निर्यातक बनना होगा, किसानों को मजबूत बनना होगा, और उदाहरण देते देते वो चले गए श्री स्वर्गीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको उन्होंने उदाहरण के तौर पे पेश किया, और उन्होंने यह कहा कि जब एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का नारा लगाए थे, तो हमारे देश का जो किसान था वह इतनी मेहनत से काम किया था, इतनी लगन से काम किया था कि हमारा देश खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर हो गया। मोदी जी उदाहरण देना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुद उस मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन कार्य है। आप जिस धरती पुत्र स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो उदाहरण आप दे रहे हैं कि उनके कहने पे देश चला, अगर उनके कहने पे देश चला, लेकिन आपके कहने पे देश क्यों नहीं चल रहा है, इसे आपको देखना होगा। जब उस समय हमारा देश आर्थिक मंदी पे जूझ रहा था, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है चौपट थी, हमारे देश के अंदर खाने के लिए खाद्यान्न नहीं हुआ करते थे, तो उसी रास्ते पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चलते थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक एक दिन सोमवार को व्रत रहेगा, लेकिन यह कहने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं व्रत रहते थे सोमवार के दिन। यहां तक मैं बता दूं कि माननीय आदरणीय मोदी जी जो आप प्रधानमंत्री धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण तो आप दे रहे हैं, लेकिन कभी उनके रास्ते पर खुद चलने का आपने काम किया? उनकी धोती फटी हुआ करती थी, धोती नहीं खरीद पाते थे क्योंकि देश आपातकाल में था। वो सैलरी नहीं लेते थे, जो उनको मिलता था वह सब खजाने में डाल देते थे, अपनी फटी हुई धोती अपनी पत्नी से सिलवा के पहनने का काम करते थे। और आप क्या करते हैं, आप तो दिन में 10 बार सूट बदलने का काम करते हैं, और वह भी सूट आपका 2-2 लाख रुपए का होता है, तो कम से कम पहले आप उस रास्ते पे चलिए, उसके बाद देश के लोग तो खुद चलेंगे। भारत तो ऐसा मूर्खों का देश है, मैं यह कहता हूं कि भारत मूर्खों का देश है, उनको एक आगे इंजन की जरूरत पड़ती है, अगर इंजन सही रास्ते पे चलेगा तो डिब्बा अपने आप सही रास्ते पे चलेंगे। लेकिन सर्वस्त्र सब कुछ आप हो, इस देश का जब प्रधानमंत्री गलत रास्ते पे चलेगा तो हमारे देश की आम जनता भी गलत रास्ते पे चलना तय हो। आप कह रहे हो कि किसान को निर्यातक बनना चाहिए, किसान जब तक निर्यात नहीं करेगा तब तक किसान का विकास संभव नहीं है। यह सत्य बात है कि जब तक किसान निर्यातक नहीं बनेगा तब तक हमारा देश कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता है, लेकिन यह बातें केवल आप मुंह से कहते हो। आप बताइए कि आपने बजट में क्या दिया है किसानों को, आपने बजट में ऐसा क्या किया है कि किसान आत्मनिर्भर बने। किसान बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता किसानों को, ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग जो आपके सूट की व्यवस्था करते हैं, आपके जहाज की व्यवस्था करते हैं, आपकी बड़ी बड़ी रैलियों में भाषण की व्यवस्था करते हैं, इनके लिए आप बजट देते हो 95%, और इस देश के किसान को आप क्या देते हो, केवल इनको मूर्ख बनाने का काम आप करते हो। मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितने भी साथी देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने का काम जरूर हो, और इस वीडियो को देखें क्योंकि मीडिया के लोग जो चूड़ियां तोड़ तोड़ के विधवा विलाप कर रहे हैं वह वहां तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। देश का किसान निर्यातक कैसे बनेगा, आप खुद नहीं चाहते कि देश का किसान निर्यातक बने।
जब आपकी सरकार नहीं थी उसके पहले किसान बासमती धान लगाया करता था और उसका धान 5,000 रुपए क्विंटल बिकता था और विदेश में जाता था। लेकिन जैसे आपने प्रधानमंत्री बना, आपने किसानों के सामान को निर्यात करने पर पाबंदी लगा दी और विदेश से जो आने वाला माल था उस पर आपने शुल्क हटा दिया, विदेशों से माल यहां आना चालू हो गया और किसान का जो धान है वो धराशायी हो गया। 1700 रुपए में बासमती धान कोई पूछने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, ये दोगली नीति क्यों अपनाते हो? कानून कुछ और बनाते हो और जनता के बीच में आके कुछ और बताते हो। कुछ अंधभक्त भी आ गए होंगे, वो चपड़ चपड़ करने वाले, चापलूसी करने वाले, वो उसी खानदान के लोग हुआ करते हैं जो आज हक और अधिकार मांगने वाले का मुखर विरोधी वही होता है जिसके बाप और दादा मुगलों से लेके आज तक केवल सत्ता और लोभ के चलते निकम्मे लोग अपनी बहन बेटियों को उनको सौंप करके सत्ता हथियाने का काम करते थे और उनका करीबी बनने का काम करते थे, वही लोग आज भी हैं जो अपना हक और अधिकार मांगते हैं उनका विरोध करने भक्त आ जाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि निराशावादी लोगों से सावधान रहिए। जो व्यक्ति निराश होते हैं वो कभी देश का विकास नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह बात आपको भी सोचनी चाहिए कि आप कितने निराश हैं। आपने नोटबंदी और GST लाके देश को इतना बर्बाद कर दिया कि आप खुद निराश हो गए, आपका खजाना खाली पड़ गया, आपके पास बजट पेश करने के लिए पैसे नहीं रह गए, जिसके कारण आपको लाल किला बेचना पड़ा, आपको रेलवे स्टेशन बेचना पड़ा, आपको 3-3 रेलगाड़ियां बेचनी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जन शताब्दी, राजधानी और दुरंतो तीनों की तीनों ट्रेनें बिक चुकी हैं, 4th क्लास के कर्मचारी बिक चुके हैं, बेचारे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं यहीं बनारस के अंदर, लेकिन मीडिया उनको दिखाने का काम नहीं करती। आज प्रधानमंत्री जी आए थे तो कम से कम लाखों की संख्या में लोग उनका विरोध प्रदर्शन करते, काले झंडे दिखाते, लेकिन 3 दिन पहले पुलिस प्रशासन लगा करके उनको नजरबंद करके रखा गया है। तो निराश तो आप खुद हो चुके हैं और निराशावादी व्यक्ति कभी देश का विकास नहीं कर सकता। निराशावादी व्यक्ति केवल लोगों को हिंदू, 3 तलाक, धर्म, मजहब और गाय और गोबर की ही राजनीति करके देश के नौजवानों को बरगला सकता है, इससे अभी कुछ नहीं कर सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह भी कहे हैं कि पर्यटन से देश सुंदर बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पर्यटन से देश सुंदर बनता है, लेकिन पर्यटक स्थल जब बनाया जाता है तो आपके लोग कितने बड़े बड़े घोटाले करते हैं क्या आपको पता है? पर्यटक स्थल से देश तो सुंदर बनता है, लेकिन आपका मैं ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव की आज 90% आबादी पलायन कर रही है, शहरों की तरफ भाग रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। यूपी के लोग गुजरात, गुजरात के लोग यूपी, महाराष्ट्र के लोग अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के बाद के लोग महाराष्ट्र, आज चारों तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। पहले उसकी व्यवस्था करिए कि लोग पलायन न करें। पर्यटन तो बहुत दूर की बात है, पहले आप फैक्ट्रियों की बात करिए, कारखानों की बात करिए, लोगों के रोजगार की बात करिए। ये नाले के अंदर जो गैस है उससे पकौड़ा तलने से काम नहीं चलेगा। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही अपनी भाषण में, उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की मेहनत से हमारा भारत जो है ये न्यू इंडिया बनेगा। लेकिन न्यू इंडिया की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आई कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं ये प्रत्येक नागरिक की बात करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 30% नागरिकों को जो है केवल खौफ दिखाकर जिंदा रखा जा रहा है। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हलाला के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और कभी गाय और गोबर के मांस के नाम पर तमाम ऐसे अराजक तत्व पैदा हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के रूप में कि आज जाके वो मुसलमानों के घरों में घुसकर उनका फ्रिज सूंघने का काम करते हैं, कहते हैं इनके फ्रिजों में गौमांस रखा है और गौमांस के नाम पर लोग मूव लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री जो दोहरी नीति अपनाते हैं, इनके ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे लोग बैठे हैं जो गाय का मांस खाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हम तो गाय मांस खाएंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी?
देश के हर नागरिक से न्यू इंडिया बनेगा। अरे जो व्यक्ति 16 घंटे खेतों में, खदानों में या कारखानों में काम कर रहा है, जो केवल दो रोटी की व्यवस्था कर ले, दिन भर काम करता है तो शाम को उसको लगता है यार कि दो रोटी की व्यवस्था हो जाए, वह न्यू इंडिया क्या बनाएगा? आप उस व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं न्यू इंडिया बनाने की कि जिसका अगर बच्चा बीमार हो गया तो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां की सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। अब फिर जांच के नाम पे डॉक्टर 10,000 रुपए की जांच लिख देता है बाहर जाकर के, वह आदमी न्यू इंडिया की? आप किस इंडिया की कल्पना करते हैं? आप इंडिया रहने दीजिए, इस देश को भारत ही बना रहने दीजिए, इंडिया की जरूरत नहीं है। असली भारत गांव में बसता है, जहां 90% आबादी गांव में रहती है, जो खेतों में काम करती हैं, रोपनी लगाती हैं, पैरों जो है उनके पैर कीचड़ में घुसे होते हैं। कभी उन महिलाओं की तरफ आपने देखा? उन महिलाओं की तरफ देखा जो साड़ी के पल्लुओं को अपनी कमर में बांधकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में और घनघोर बारिश में, आकाशीय बिजली की चपेट में खेतों में धान की रोपनी करने का काम करती हैं? कभी आपने उस तरफ देखा जो 90% आबादी के बीच में नंगे धड़ंगे बच्चे गांव और गलियों में घूमते हुए मिल जाते हैं, जिनके बदन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं? आपने कभी उस भारत की तरफ देखा? आपने कभी उस भारत की तरफ देखा जो बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं? आपने शिक्षा अभियान के तहत, स्कूल चलो अभियान के तहत केवल खिचड़ी बंटवाने का जो काम कर रहे हैं, आपके टीचर कितना उन बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी आपने उस तरफ ध्यान देने का काम किया? आपके टीचर 3-3 घंटे लेट पहुंचते हैं। आप किस इंडिया की बात कर रहे हैं? अब दूसरी तरफ आप कहते हैं कि निराशावादी लोग संकट पैदा करते हैं। ये देश का किसान निराश है, देश का नौजवान निराश है, देश का बेरोजगार निराश है। निराश इसलिए है कि उसे जीने और खाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहते हैं कि संकट बनते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए आपसे गुहार लगाए कि हमें रोजगार चाहिए, किसान आपसे गुहार लगाए कि हमें अनाज का दाम चाहिए, तो आप कहते हैं कि ये निराशावादी लोग हैं, ये संकट पैदा करेंगे। हाँ, ये संकट जरूर पैदा करेंगे। अडानी और अंबानी के लिए संकट पैदा करेंगे, टाटा बिरला के लिए संकट पैदा करेंगे, कारपोरेट घरानों के लोगों के लिए संकट पैदा करेंगे, ये आपके लिए संकट नहीं पैदा करेंगे। जिस व्यक्ति के खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं होगा तो वह संकट जरूर पैदा करेगा, क्योंकि उसकी रोटी को छीनने का काम आज कारपोरेट घराने के लोग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नकारात्मक लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, नकारात्मक लोगों से। प्रधानमंत्री जी, इससे देश नहीं चलता है। अगर देश चलता है तो आप लाल बहादुर शास्त्री को पढ़िए, देश चलाना है तो आप इंदिरा गांधी को पढ़िए, देश चलाना है तो आप राजीव गांधी को पढ़िए, देश चलाना है तो आप बीपी सिंह को पढ़िए। अगर देश चलाना है तो आपको संविधान पढ़ना होगा, और देश को चलाना है तो आपको लोहिया को पढ़ना होगा। ये देश चलाने के लिए ये धर्म की अफीम दे करके, लोगों की मूव लिंचिंग करा करके, लोगों में वैमनस्यता पैदा करा के, लोगों में बांट बंटवारा करा करके देश चलने वाला नहीं है, और न तो इससे देश चलता है, और आपके मन की बात करने से भी देश नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी, आप उस किसान को कहते हैं निराशावादी, उस किसान को ये कारपोरेट घराने के लोग निकम्मे कहते हैं, उस मजदूर को लोग निकम्मे कहते हैं। हमारे देश का किसान बदहालियों में जी रहा है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान जब दूध दुहता है सुबह में, एक भैंस रखता है, पूरी दिन उसकी जो है उस भैंस की खान पीन, उसकी गरुवारी बछरवारी करते हुए पूरा दिन गुजारता है, तो उस भैंस से जब 4 लीटर दूध निकलता है तो उसकी कीमत क्या होती है? 18 रुपए या 20 रुपए लीटर, 18 रुपए या 20 रुपए लीटर। लेकिन उपभोक्ता को कितने में मिलता है? 50 से 60 रुपए लीटर। तो ये बीच का पैसा 40 रुपए कहां जा रहा है? लेकिन क्या करे किसान, 50,000 रुपए की भैंस बांधता है दरवाजे पर, 200 रुपए का राशन खिलाता है, और दिन भर की पूरी मजदूरी करता है, और दूध बेचता है 5 लीटर कितने का? 100 रुपए का, उसके घर से भी चला जाता है। लेकिन किसान करता क्या है? बहुत कुछ किया तो अपनी दूध बढ़ाने के लिए 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल देता है, तो उसको क्या कहते हैं कारपोरेट घराने के लोग? कि ये तो मिलावट खोर है,
वह मिलावट खोर है, लेकिन वह मिला तो पानी रहा है, जहर नहीं मिला रहा है। लेकिन आज देश के अंदर जो दूध में जहर मिला के लोग बेच रहे हैं, उसको कोई मिलावट खोर नहीं कह रहा है। आज देश के अंदर सिंथेटिक दूध बन रहा है और उसको कारपोरेट घराने के लोग बना के 60 रुपए लीटर बेच रहे हैं। उसमें 1 रुपए का शैंपू, 2 रुपए की यूरिया डाल के लोगों को जहर पिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे दिन मेहनत करके 50,000 की भैंस बांधकर और उसमें पूरा दिन मेहनत करके अगर 20% उसमें जो है मतलब 5% अगर पानी मिलाने वाला किसान मिलावट खोर है, लेकिन ये शैंपू या यूरिया से दूध बना करके पिलाने वाला कारपोरेट घराने के लोग ये मिलावट खोर नहीं है। वाह, अच्छे लोग हैं आप, देश को कहां ले जा रहे हैं। घर का जब किसान, घर का मजदूर जब दूध चला के खोया बनाता है और उस खोए को थोड़ा सा गीला रख देता है कि थोड़ा सा हमारा बेट 100-200 ग्राम ढेर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हमें थोड़ी सी कीमत मिल जाएगी, तो उसको लोग कहते हैं कि ये निकम्मा है, 420 है। लेकिन वही खोए को जब ये कारपोरेट घराने के लोग उसमें आलू और मैदा मिलाते हैं, सिंथेटिक दूध मिलाकर खोआ बनाते हैं, तो वह मिलावटी नहीं होता है, वह चोर और डकैत नहीं होते हैं, चोर और डकैत किसान होता है। ये कारपोरेट घराने के लोग, आज मैं देख रहा हूं कि विकास के नाम पे लाखों बड़े बड़े सड़कों के किनारे के पेड़ काटने का काम किए, लाखों पेड़ कटे हैं इस साल, उससे देश का प्रदूषण नहीं हो रहा है। लेकिन जब किसान अपने खेतों की जब पराली फूंक देता है तो उससे प्रदूषण फैल जाता है। ये खनान 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 करने वाले लोग पूरे पहाड़ों को गायब कर दे रहे हैं, खनन से पूरी धूल उड़ रही है, पूरी गांव की बस्तियां खराब हो रही हैं, तो उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, और किसान के पुराली फूकने से इनको प्रदूषण पैदा हो जाता है। तो आज जो हमारे देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, केवल देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं और नौजवानों को दिशा भटकाने का काम कर रही हैं, दिशा विहीन कर रही हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, कभी कम से कम आप रोजगार की बात तो कर लिए होते कि आज देश का माहौल क्या है कि पीएचडी करने वाला व्यक्ति प्यून के लिए फार्म अप्लाई कर रहा है, पीएचडी करने के बाद लोग रेलवे के ग्रुप डी में फार्म भर के रोजगार पाके खुश हुआ करते थे, आपने तो उसको भी बेच दिया, आपने छोड़ा क्या। यह आपकी निराशा जाहिर करती है कि निराशावादी आप हैं, आपके अंदर इतनी निराशा है, इतनी निराशा है कि आपके बदौलत यह देश कहां जा रहा है। और आपका जो प्रखर, जो आपसे सवाल पूछता है, सवाल खड़ा करता है, रोजगार की बात करता है, किसान की बात करता है, गरीब की बात करता है, दलित वंचित शोषित की बात करता है, आप उसको कहते हैं कि निराशावादी लोग हैं, ये विकास में बाधक हैं। तो अगर आप अडानी अंबानी टाटा या बिड़ला के विकास को देश का विकास मानते हैं तो ये जरूर बाधक हो सकते हैं, नहीं तो ये बाधक नहीं हो सकते। ये अपने श्रम से अनाज पैदा करते हैं, ये अपने श्रम से अर्थव्यवस्था पैदा करते हैं। देश की ताकत आज किसान और मजदूर है, जिसे आप निराशावादी कह रहे हैं, वह निराश हुआ है, निराश इसलिए हुआ है कि उसे जितना वह करता है उतना उसको मिल नहीं पाता, इसलिए वह निराश हुआ है। निराश तो प्रधानमंत्री जी आप भी हो गए थे जब बनारस के अंदर एक किसान का बेटा, एक जवान फौजी तेज बहादुर जब अपना पर्चा दाखिल कर दिया था तो आप भी निराश हो गए थे। पूरे नियम और कानून को आपने ताक पर रख दिया था, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर तक पर आपने दबाव बनाया था कि किसी तरीके से उसका पर्चा खारिज हो जाए। निराशावादी आप हैं जो आपने चुनाव में मैदान में एक आदमी को अखाड़े से बाहर करने का काम किया गलत तरीके से। मैं यह कहता था वो लाख गलत था, अगर आपके अंदर काबिलियत थी, आपके अंदर ताकत थी तो उस फौजी को आपको चुनाव लड़ने देना चाहिए था, वह लड़ता और उसे लड़ने के बाद अगर चुनाव जीतता तब आपकी वाहवाही होती। लेकिन आप, मैं चैलेंज करता हूं कि आप चुनाव हारने वाले थे, आप चुनाव हार जाते, यह LIU की रिपोर्ट थी, इसलिए आपने गलत तरीके से निराश हो गए और निराश होकर के आपने उसका पर्चा खारिज कराया। और उस पर्चा को खारिज कराने के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना प्रोटोकॉल के रात की अंधेरी में BHO में बैठ करके
अधिकारियों से मीटिंग की और किसी तरीके से पर्चा खारिज करने को कहा और वह खारिज हुआ। यह मैं नहीं, यह पूरा देश जानता है। केवल अंधभक्त जो है वही अंधभक्त आपकी अंधभक्ति में लीन है, क्योंकि उनको बिना किए धारे की 2 जून की रोटी चाहिए, उनको परिवार पालना है, तो वह आके कमेंट करते हैं और गालियां देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को यह कहता हूं कि अंधभक्तों सावधान हो जाओ, नहीं हमारे अंदर वह ताकत है कि हम तुम्हारे पिछवाड़े में बांस घुसेड़ना जानते हैं। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम आके कमेंट करोगे या विरोध कर लोगे, एक भी प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम ताली बजाने वाले लोग हो जो ऐसे ताली बजाते हैं, वह भी एक प्रजाति है, तुम उसमें से हो, तुम मर्द नहीं हो सकते। तुम आजाद, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के सपनों के भारत की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। आजाद और भगत सिंह और बोस की भारत की कल्पना देश का किसान करता है, देश का मजदूर करता है, दलित वंचित शोषित वर्ग करता है, तुम नहीं कर सकते। तुमको तो यह है कि किसी तरीके से हमारी रोजी और रोटी चलती रहे, हमें मेहनत न करना पड़े, हमें काम न करना पड़े। लेकिन आज कुछ लोगे कहते हैं कि किसान और मजदूर अगर परिश्रम सबसे ज्यादा करता है तो किसान और मजदूर करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो परिश्रम करता है वो भूख से नहीं मरता। लेकिन मैं यह कहता हूं कि परिश्रम करने वाला ही आज भूख से मर रहा है। मेवा पैदा करने वाला मेवा नहीं खा रहा है, दूध पैदा करने वाला दूध नहीं खा रहा है, बासमती धान पैदा करने वाला बासमती धान नहीं खा रहा है, और हरी सब्जी पैदा करने वाला हरी सब्जी नहीं खा रहा है, उसको निकम्मे लोग खा रहे हैं। दूध दूध दुहे हम, रबड़ी खाएं निकम्मे लोग, और वही लोग निकम्मे हमको बोलते हैं। आज देश को जागने की जरूरत है, देश के लोगों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो खास करके ये कहूंगा कि मीडिया वालों का विरोध करो, आप टीवी चैनल देखो ही मत। जिस तरीके से सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने प्रवक्ताओं को टीवी चैनलों पर जाने से बंद कर दिया है, उसी तरीके से आप भी देखना बंद कर दो, क्योंकि वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। आज जो डिबेट हो रहा है, टीवी चैनल वालों की मजबूरी हो गई है कि 2 मुल्ले पकड़ के ले जाते हैं, और वह मुल्ले ऐसे हैं जो कि पूरे मुसलमान समाज को गाली देने का काम करते हैं, पूरे मुसलमान समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। वो 5,000 रुपए चैनल वाले देते हैं, और वो जाके कभी हलाला पर, कभी 3 तलाक पर, कभी लव जिहाद पर वहां बैठ के वे डिबेट करा रहे हैं और चैनल को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उनको मुस्लिम कौम कभी पसंद नहीं करती जो टेलीविजन चैनल पे जाके वहां दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है, और यह सोशल मीडिया किसी के बाप की देन नहीं है। अगर आज हर हाथ में कंप्यूटर है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में नेट है, तो यह स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने हर हाथ में नेट दिया, हर हाथ में कंप्यूटर दिया। जो अच्छा है वो अच्छा है, बेशक 72 सालों में कांग्रेस ने देश का शोषण किया हो, लेकिन राजीव गांधी ने देश को बहुत कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो लोग खौफ दिखाते हैं, वह पाकिस्तान की नानी याद दिला दी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को बहुत कुछ दिया, उन्होंने चीन जैसे देश को भी सबक सिखाने का काम किया, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। तो ऐसे लोग देश में पैदा हुए हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है, जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। अतः मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का खून है, वो इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम 20 ग्रुपों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो, सोशल मीडिया की ताकत आप हो, आपके बदौलत हम हैं। नहीं, हमारी हैसियत नहीं थी कि सोशल मीडिया पे हम आते और जो है इस तरीके का मुखर विरोध करते। आज तो विरोध करने वाले को भी ठिकाने लगाया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के आप मार्ग पर, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हो, उनके आपके रगों में उनका खून दौड़ रहा है,
आपके दिमाग में उनका सपना चल रहा है, तो उनके सपने का भारत अगर बनाना है तो देश के लोगों को जगाना होगा, देश के युवाओं को जगाना होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।